First Choice Kids Wear Ramadan Special Offer Up to 40% Discount के साथ एक लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान शरारा पम्पलम गाउन बॉयज फुल सूट वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस प्रीमियम क्वालिटी सबसे सस्ता और अच्छा रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स है। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि जिस तरह से हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी कि मुमरा शहर में 500 पेड़ लगाने का जो है शुरुआत किया जा रहा है, और आज जो है गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज ने इसकी शुरुआत कर दिया। 500 पेड़ों को जो है मुमरा शहर के मेन रोड पर और गलियों में लगाने का काम जो है अब शुरू किया गया है। आपको बता दें कि ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज ने इस पेड़ को लगाकर जो है शुरुआत कर दी है, और दो पेड़ जो है बहरहाल लगाए गए हैं। आज इसी तरह से मुमरा शहर में जो है 100 पेड़ लगाए जाएंगे। बाकी के जो पेड़ हैं वो अभी यहाँ गाड़ियों में रखे हुए हैं। हम आपको दिखा दें कि ये पेड़ है जो मुमरा शहर के रोड पर जो मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर वाई जंक्शन तक जो रोड के दोनों तरफ पेड़ों को लगाने का काम शुरू किया जाएगा। बहरहाल आज जो है 100 पेड़ लगाए जाएंगे। इसी तरह से जो है मुमरा शहर के गलियों में जितने भी वार्ड है वहाँ पर जहाँ ज़रूरत है पेड़ लगाने की वहाँ पेड़ लगाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज से पत्रकारों ने हॉस्पिटल को लेकर भी सवाल किया है, उन्होंने भी उस पर जवाब दिया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जिस तरह से पेड़ लगाने का कार्यक्रम आज यहाँ पर जो शुरू किया गया है, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज ने कहा कि ये कार्यक्रम ही नहीं है बल्कि हर लोगों को पेड़ लगाने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं जो है ऑक्सीजन की लोगों को अब बेहद ही ज़रूरत है, इसलिए पेड़ जो है लोगों को लगाना चाहिए। आज जो है पेड़ लगाने के बाद गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है सुनिए। कार्यक्रम नहीं है जी, मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की जो कमतरता हुई है पूरे विश्व में जी, उसकी वजह है कि हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं जी। तो ये मौका हाथ में आया है तो मैं तो कहूँगा कि मुमरा के हर निवासी ने जितना हो सके उतना एक एक पेड़ लगाओ, छोटे पेड़ लगाओ, घर में पेड़ लगाओ, गैलरी में पेड़ लगाओ। लेकिन ऑक्सीजन मिलता है लोगों को तो उनके जो फेफड़े हैं वो अच्छे रहते हैं। सर कितने पेड़ लगने वाले हैं पूरे शहर में, कहां से कहां तक लगे? 500 पेड़ लगने वाले हैं, आज 100 लगेंगे जी। और मुझे लगता है कि हम पूरा शहर, खास करके ये जो मेन रोड है, पूरा कवर्ड होगा। सर लेकिन पेड़ लग जाएंगे लेकिन डिवाइडरों पे पहले जैसे जो ग्रीनरी लगाई गई थी उसकी देखभाल नहीं हुई, वैसा हाल तो नहीं होगा ना? ऐसा है कि ये पेड़ ऐसे है, गोसावी साहब ने जो चुने हैं जी वो आपको बाद में समझेंगे पेड़ बनते कैसे। ये किसी के हाथ में लगने वाले पेड़ नहीं है, 17 और ये एक साल में पूरा एकदम। सर थोड़ा सा मैं अलग विषय पर एक बात करूंगा, हमारे जितने भी मुमरा कौसा के जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी अपने चैनल चलाते हैं, सबके वीडियोस पर लगातार मनपा द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल को लेकर के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। हम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है कि हम लोग उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, और हम लोग जो है आपसे उस पर सवाल नहीं करते, मनपा प्रशासन से सवाल नहीं करते। तो क्या है, अस्पताल कब बनेगा सर? पिछले वर्ष मैंने जाती तौर पर आपसे बात की थी, आपने कहा था 2020 अंत तक हम अस्पताल शुरू करके मुमरा के हवाले कर देंगे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है सर अभी तक। ऐसा है कि जब जब हम फाइनल पे आते हैं तब तब कोविड शुरू हो जाता है जी, सारे कारोबार बंद हो जाते हैं जी। कोई वजह नहीं दे रहा हूँ अच्छा, लेकिन एक सुंदर हॉस्पिटल बनाने के लिए, जो सबकी सेवा कर सके, एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने के लिए उसको सब सुविधा देना ज़रूरतमंद है। जैसे ऑक्सीजन की सुविधा है, एयर कंडीशनिंग की सुविधा है, इसको अपडेट करने के लिए टाइम लगता है, और टाइम और कंटिन्यूटी लगती है। अभी ऐसा है कि सभी कारोबार सरकार ने बंद करने को बोले, अभी शायद हो सकता है कि ये जून महीने में खुलेंगे, तब बारिश रहेगा। हम तो आपको क्या लगता है, हमको दुख नहीं होता है कि इतना अच्छा हॉस्पिटल ऐसा ही खड़ा है? जैसे कब्रिस्तान हमने सभी का विरोध होते हुए भी बनाया, वैसा कोई विरोध करे कुछ करे कुछ, हम तो हॉस्पिटल तो बनाने ही वाले हैं, उसके लिए पैसा भी रखा गया। लेकिन अभी जो अगर जो कारोबार करते हैं, जो काम करते हैं, वो मजदूरी नहीं है तो कहाँ से क्या करेंगे?
सर सभी पत्रकारों की तरफ से मेरी एक विनती थी आपसे कि आप एक वक्त एक दिन में निकाल करके सारे पत्रकारों को लेकर के उस अस्पताल की विजिट करें और जो अभी की स्थिति है वो अगर लोगों के सामने रखी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि मुझे लेकर जाके वहाँ विटनेस खड़ा करने से अच्छा है जी। गोसावी साहब यहाँ पे है जी और विपक्ष नेता शानू पठान जी नेता है और वहाँ के जो नगर सेवक है सभी नगर सेवक राजन है यहाँ पे ये हमारी अश्रीन भाभी है सभी को लेके जाओ और देखो हम झूठ बात नहीं करते जी। दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। ये जो बात करते ना जो घर में बैठ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जी। उनको तो सभी लगता है कि आराम से सब हो रहा है रोज नहीं हो रहा है, हो रही है। जी। जितना रेमडेसिविर मुमरा को मिला है ना yes. पूरे थाने शहर में किसको नहीं किसी को नहीं मिला है। मैं गवाह हूँ उसका। मैंने कई आप कई लोगों को आपसे मैंने दिलाया आज पूरे ऑक्सीजन पूरे मुमरा शहर में एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं जिसको ऑक्सीजन कम गिरता है। एक फोन आता है तो हम ऑक्सीजन के लिए तुरंत इंतजाम करके भेज देते हैं। मेरे जैसा आदमी जाके चार घंटा ऑक्सीजन के फैक्ट्री में बैठा था उसके बाद वो ऑक्सीजन वाला बोला कि एक मंत्री आकर बैठा तुमको ऑक्सीजन कम होने ही नहीं दूंगा।